हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज्यादा खतरनाक चैलेंज करने वाले हैं फुल मैप के अंदर। भाई मैं बहुत 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 टाइम के बाद फुल मैप की वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोगों को पता है मैं फुल मैप की वीडियो नहीं डालता हूँ, बट न्यू सीजन आया है तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू सीजन के साथ एक न्यू खतरनाक सी वीडियो बनाई जाए। भाई तो हम करने क्या वाले हैं आज, हम करने वाले हैं ओनली SMG गन्स चैलेंज। मतलब आप लोगों को पता है गाइस SMG ये गन्स कितनी है फ्री फायर के अंदर, MP40, P90, UMP, MAC, MP5 ऐसे गन, सिर्फ यही गन्स हम यूज़ कर सकते हैं। SMG गन्स के अलावा हम कोई भी गन्स यूज़ नहीं कर सकते, मतलब AR गन्स नहीं यूज़ कर सकते, स्नाइपर नहीं, शॉर्ट गन नहीं, कोई भी SMG गन्स के अलावा गन हम यूज़ नहीं कर सकते। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं करने क्या वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स में। और भाई मेरे को लग रहा है ना यहाँ पर और भी प्लेयर आ रहे हैं, तो जल्दी से दूसरे यूनिवर्स में चलते हैं। लेट्स गो, अभी आ चुका हम दूसरे यूनिवर्स के अंदर और भाई जल्दी से इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। जल्दी जल्दी से सारे के सारे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर और प्लेयर भी आ जाएंगे। इससे पहले पहले अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इतने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। भाई अरे इतनी जोर से क्यों टन 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 करता है भाई ये? ओके वहाँ पे दो डुओ आ चुका है, एक भाई उनसे थोड़ा दूर ही रहता है और जल्दी से इसको ओपन करते हैं और एक को मार भी देते हैं, एक डाउन। अरे यार भाई ये दो गोली में, अच्छा बेस्ट हेलमेट नहीं हमारे पास तो ये दो गोली में मार लेते इजीली। और चलो 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 अभी इनको जाइए जाए लोग बाहर में, हम निकल रहे भाई यहाँ से, बिकॉज हमारे को भाई भाई यार ये क्या मजाक है भाई। अरे भाई मेरे को इतना दूर क्यों स्पॉन करा भाई, मेरे को उधर जाना है भाई, 15 सेकंड बचे हैं भाई हमारे पास, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके गया ये बंदा, 10, 9। ओके इजी भाई, इजी इजी भाई, उसने मेरे को जाने नहीं दिया, मैंने उसको जाने नहीं दिया। ओके अब हम इस एरिया पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर ना गाइस हमारे को मिलेगा 2 SMG गन। यहाँ पर हमारे पास MP40 है और भाई हमारे पास है वेक्टर, वेक्टर तो हम लोग यूज करने नहीं वाले, तो हम ना भाई दो अपने लिए MP40 ले लेते हैं। लेट्स गो भाई, दो हमने अपने लिए MP40 ले लिया और एक काम करते हैं भाई, इतने टोकन पड़े हैं ना एक और ले लेते हैं। लेट्स गो, चलो इतना टोकन वैसे ही पड़े हुए तो इनको वेस्ट ही कर लेते हैं गाइस। जी वाली जो MP40 है गाइस इनके अंदर ना भाई कुछ अलग ही पावर है, जो स्किन्स यहाँ पर है ना सारी की सारी गन्स इनके साथ हमारे को स्किन मिलती है और भाई इन गन्स की अलग ही पावर होती है, तो मैंने क्यों ना अपने लिए MP40 ले लेते हैं। एंड क्योंकि MP40 के साथ हमारे को स्कोप नहीं लगता, तो लॉन्ग रेंज के लिए ना हम एक गन ढूंढने हमारे को ढूंढनी पड़ेगी, वो होने वाली है मैक। आप लोगों को पता है इस अपडेट के बाद मैक लेवल अप होती है और मैक ना थोड़ी बहुत अच्छी खासी लॉन्ग रेंज में सही चल लेती है, मतलब हेड उसके अच्छे खासे लग जाते हैं, हम उसको लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर मैं उतर तो गया हूँ बट आई थिंक यहाँ पर गाइस फुल लूटेड है ये एरिया। हाँ भाई यहाँ पर आके किसी ने भाई फुल लूट किया हुआ है, देखो भाई वुड पैकर पड़ी हुई है बट हम वुड पैकर चक नहीं सकते यार, भाई ये गलत सीट हो गया भाई। मेरे को डर इस चीज़ का है भाई, जब पूरे पूरे स्क्वाड मेरे ऊपर रश करेंगे तो मैं उन्हें कैसे मारूंगा। ओ मेरे को मैक मिल गई, लेट्स गो भाई, मेरे को मैक मिल चुकी है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब हमारे को बस थोड़ी बहुत और अटैचमेंट चाहिए इसके लिए, बिकॉज देखो हमारे पास अटैचमेंट कुछ भी नहीं है और हमारे को एक अच्छा सा 4x स्कोप चाहिए और भाई बूया 100% है। ठीक है हम यहाँ पे आ चुके हैं ग्लाइडर से पीक की तरफ, यहाँ पे एक प्लेयर नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है साले, रुक 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 रुक। अरे भाई साहब, अरे 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 ओके लेट्स गो इजी भाई, क्वेश्चन मार्क MP1 million भाई, चल भाई मार दो भाई और मेरे को अपना ये भी दे, सुआ भी दे भाई क्योंकि मैं तेरा सुआ यूज़ करूँगा, ये मेरे काम आएगा। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी लूट के लिए, हमने गाइस अपनी एमोज वगैरह फुल ले लिया, बट ये ना कुछ वो प्लेयर था और मेरे को डर है कि इसकी स्क्वाड अभी मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे आने वाले भाई बहुत ही जल्द। और हाँ मेरे को मैक से थोड़े किल करने चाहिए ताकि मैं अपनी मैक को अपग्रेड कर पाऊँ, अभी हमारी लेवल 1 की भी नहीं है भाई मैक तो इनकी। हमारे को एक प्लेयर दिखा तो है, ओह शिट भाई वहाँ पे मेरे को लग रहा है स्क्वाड ही है पूरा, क्योंकि मेरे को कहीं और से भी फायर आया यार, का स्कोप होता ना हमारे पास 2x का भी हमारी बहुत हेल्प हो जाती। ओके उरा 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 एक और दिख गया मेरे को शायद, अरे अरे भाई डैमेज, क्या डैमेज दिया उस बंदे ने एकदम से ही। ओके अरे 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 भाई ये कौन सी गंदी, अच्छा ये वो आयरिस यूज कर रहा है भाई, भाई इसको गोलियां नहीं कनेक्ट हो रही भाई विदाउट स्कोप। ओके भाई मैं हील कर रहा हूँ भाई, भाड़ में जाए भाई। अरे भाई साहब ये भाई क्या गन चला रहा है ये, ओ जल्दी जल्दी से हील हो जा भाई, हील हो जा हील हो जा भाई, कौन सी गन है भाई ये, M14 भाई मेरा वेस्ट ने पूरा फाड़ दिया था भाई इसको, तो इसका तो बदला लूंगा मैं नूब साले, फिर इतनी मजा भाई ये ना भाई गन इतनी पावरफुल है भाई, मेरा लेवल 4 का वेस्ट सेकंड्स में फाड़ दिया, मेरे को लगा उसने हेड मारा पर भाई उसने बॉडी के साथ ही भाई मेरे इतने बुरे हाल कर दिए भाई। भाई पीछे भी प्लेयर आ चुका है, ओह वेट डाउन है वहां पे, मैंने किल चोरी कर दिया गाइस, लेट्स गो यहां पे एक और प्लेयर,
क्लियर भाई, जल्दी बाहर आ लड़की। भाई मर क्यों नहीं रही? ओके फाइनली ओके। भाई भागो यहां से भाई, यहां तो भाई एकदम से पूरी स्क्वाड जाने लग गई। लेवल टू की होगी हमारी मैक। दो बंदे वहां पे और है, पीछे भी बंदा आ गया मेरे को लग रहा है भाई, पीछे से फायरिंग आई थी क्योंकि नहीं नहीं इरा 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 इरा। ओके ओके डाउन, ओके इसको क्लियर करते हैं। डाउन हमारी लैंडमाइन से भी एक बंदा। ओके अपनी मैप को अपग्रेड कर लेते हैं। वो हील करने क्या वो? अरे भाई ओके डाउन। आसमान से इसकी और प्लेयर भी आ सकते हैं, जल्दी इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। वो देखो आसमान में इसका प्लेयर, मैं बोर था ना गाइस, इसने अपने प्लेयर्स को रिवाइव दिया। ओके लेट्स गो, वही बोरा इसका प्लेयर। ओके ये भी यहीं पे उतर रहा है, इसको पेल देगा भाई उतरती। चला तू बेटा, तेरे को पेलता हूँ मैं। ओके लेट्स गो भाई, हमने ये स्क्वाड पूरी की पूरी वाइप आउट कर ली ऑलमोस्ट। लेट्स गो भाई, ये तो वही बंदा है भाई जिसको हमने उस टाइम मारा था भाई साहब। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी करके हमने यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वाड वाइप आउट कर लिया इस तगड़ी की स्क्वाड का। बाय द वे गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे को कपड़े क्यों नहीं दिखाई देते एनिमी के, भाई ये पीसी का थोड़ा सीन होता है, बहुत सारे बाकी पीसी यूट्यूबर के साथ भी होता है ये सेम चीज। हमारे को कपड़े नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हम सिंपल फ्री फायर खेलते हैं, तो सिंपल फ्री फायर में कभी कुछ कुछ प्लेयर्स को नहीं दिखाई देते, कुछ कुछ प्लेयर्स को दिखाई देते हैं, और पता नहीं क्या सीन है गाइस, बट या मेरे को कपड़े नहीं दिखाई देते भाई इस चीज़ की वजह से। तो ये मत समझना कि ये आगे बहुत से सारे के सारे, इनके पास कपड़े नहीं है, नूब्स हो गए सारे के सारे, ये अच्छे प्लेयर है बहुत ज़्यादा, बस मेरे को कपड़े दिखाई देते, कपड़ों से प्रो नहीं बनते यार, है ना। चलो वेट, ऊपर दो प्लेयर है भाई, मैं ना गाइस जब से उतरा हूँ भाई उसके बाद से ना लिटरली उतर के मेरे फाइट की फाइट पे फाइट पे फाइट पे फाइट हो रही है। हमारे पास टोकन भी नहीं है थोड़े ज्यादा, वरना कहते अपने लिए पोर्टल ले लेते और उनपे रश कर लेते। शिट यार, और स्कोप भी नहीं मिला भाई अभी तक मेरे को, मैं अभी तक होलो यूज कर रहा हूँ भाई, रेड डॉट यूज कर रहा हूँ मैं भाई, प्लीज मेरे को वो दे दो यार, एक 2x भी चलेगा भाई, बिकॉज स्कोप के साथ ना गाइस क्या होता है कि डैमेज इंक्रीज होता है लॉन्ग रेंज में जब आप स्कोप के साथ मारते हो, और भाई थोड़ा एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, हेड भी इजी लगता है। अब मेरे को डर इस चीज़ का है कि भाई मैं थोड़ा यहीं पे आगे, ये देखो अभी मैंने उसको हेड हेड मारे और उसको सिर्फ 11 11 के हेड बजे, तो भाई समझ रहे हो ना तुम मेरे कहने का मतलब, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये मेरे को क्यों चाहिए भाई। ओके यहाँ पे कोई नहीं है भाई, रुक जाओ भाई, मेरे को पता डर लग रहा है गाइस लिटरली कि भाई मैं मरने वाला हूँ स्क्वाड से। ओके इनके पास लोगों के पास कैरेक्टर भी ऐसे से लगे होते ना। ओके यहाँ पे तो कोई नहीं है, फुट भाई पूरा स्क्वाड है ये। ओके ओके लेट्स गो भाई, क्या वाइप आउट किया भाई हमने स्क्वाड, सेकंड रेट ट्रियो हमने खत्म कर दिया भाई, तीनों के तीनों को ऐसे पकड़ पकड़ के मारा है ना भाई कसम से। लेट्स गो गाइस, ओपी और व्हाट भाई, अब ना जल्दी जल्दी से लूट कर दे भाई। ओ 4x मिल गया, लेट्स गो भाई, ये तो चाहिए था। वहां पे एक और टीम आने वाली शायद से, गाड़ी आ रही है। ओके मैं ये बोल रहा था ना गाइस, देखो 4x के आते ही भाई मेरे देख लो स्कोप कैसे लग रहे हैं, हेड कैसे लग रहे हैं लॉन्ग रेंज में। ओके अरे भाई 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 ओ भाई साहब, भाई दिमित्री भाई साहब, भाई ये क्या था बे गाइस, ये लोग कार पूर के साथ मेरे ऊपर भाई फुल रश कर दिए, और भाई मैं हार भाई पिट गया भाई, मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई, ऊपर से कार आ रही थी नीचे से भाई ये लोग आ गए, बट कोई बात नहीं, हम एक और मैच ट्राई करने वाले हैं, हमने भाई सीधा स्टार्ट ही कर दिया है, तो स्टार्ट हो चुका है पूरा का पूरा मैच खुद ही। बट भाई यार क्या होता है भाई लिटरली गाइस, यहाँ भाई जब आप फुल मैप खेलते हो ना, फुल मैप के अंदर भाई एक तो सोनिया और भाई एक दिमित्री, और ऊपर से भाई ये कार इतनी ज्यादा यूज करते हैं ना भाई लोग, पता नहीं क्यों करते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आता, बट भाई सब लोग कार में घूमे रहते हैं। अभी कार नहीं होती ना यार, मैं कार की वजह से डर गया, बिकॉज कार आजकल ना सीधा ग्लूअल के आर पार आ जाती है, पहले ग्लूअल के आर पार नहीं आ पाती थी, ग्लूअल से रुक जाती थी, बट अब सीधा ग्लूअल के आर पार आ जाती है, तो मेरे को लगा भाई मेरे को अभी जल्दी से कवर में जाना पड़ेगा, और मैं कवर में जाने के वजह से पिट गया भाई। भाई हमारे पास देखो तुम बोलते हो ना नूब, ये देखो भाई 16 नंबर का प्लेयर आया भाई, ये कौन सी है M1917 का प्लेयर है भाई, जो गन मैं चला रहा हूँ भाई, इस बंदे का
60 नंबर पे था नेपाल में। लेट्स गो भाई, चलो ओके। अब गाइज हम इस वाले मैच में थोड़ा सीरियस खेलने वाले हैं। ओके मिल पे उतरते हैं, ठीक है मिल पे उतरते हैं। लेट्स गो भाई, मिल पे मेरे को लग रहा है बहुत रश होने वाला है भाई, बंदे बंदे आने वाले हैं। अगर हम उतरते ही मर गए ना भाई, मैं वीडियो एंड कर दूँगा, ठीक है सीधा वीडियो एंड, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। अगर मैं उतर के मैं मिल पे मरा तो मैं सीधा वीडियो एंड कर दूंगा बिना एंडिंग दिए, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लेट्स गो भाई, ये पूरी स्क्वाड आ रही है। ओके हमारे को एक स्क्वाड से फाइट करनी है, बट भाई दिक्कत ये है कि बस हमारे को गन मिल जाए उतरती एसएमजी। भाई एक भी एसएमजी गन नहीं दिख रही। ओके एक भी एसएमजी गन नहीं दिख रही, एक भी एसएमजी गन नहीं दिखी। ओ भाई साहब एक भी एसएमजी गन नहीं दिखी भाई। ओके ओके भाई एक प्लेयर बचा है येरा। भाई येरा, 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 येरा। पूरा क्वार्टरा होने वाला है हमारा। ओए भाई क्वार्टरा क्यों नहीं हुआ हमारा भाई। लेट्स गो गाइस, हमने गाइस एसएमजी गन्स के साथ भाई पूरे के पूरे कितने 4 किलो हो गए हमारे, पर हमारा क्वार्टरा क्यों नहीं हुआ मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस अब देखो हम एसएमजी गन चलाने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में चीटिंग की, मेरे को उसके लिए माफ कर दो, बट भाई देखो मेरा वो तो समझो भाई, मेरा दर्द तो समझो भाई। उतरते मेरे को एक भी एसएमजी गन नहीं मिलती भाई, एक प्लेयर तक आ गया मेरे सामने। ओके वहाँ पे बंदा है, उसने मेरा शायद किल चोरी कर दिया यार, तो मैंने नीचे डाउन किया था, बट चलो कोई बात नहीं भाई साहब। अरे भाई इतना हील क्यों रहा है साले, जैसे ही मैं उसके हेड पे एम कर रहा हूँ भाई वो हील जा रहा है। कोई बात नहीं कोई बात ना आए, इसको उसको फाड़ते हैं ताकि हमारे थोड़ा बहुत और वो मिले। 4 किल तो हो गए हमारे, बट हमारा एक किल शायद से चोरी हो चुका है। अरे भाई इसको वी एस एस का भाई फायर रेट बहुत ज़्यादा सच में कम है। चलो पीछे एक और बंदा आ रहा है, फुट आया मेरे को भाई, मेरे को फुट आया। और भाई देखो मेरे को थोड़ा सा फुट आया भाई, कोई ना कोई बंदा तो है मेरे पीछे। और भाई लो वहाँ पीछे बंदा था, चलो ओके भाई लग जा। लेट्स गो भाई, वो भी उसको मार रहा है शायद से। अरे भाई इतने सारे बंदे भाई। ओके लेट्स गो, आई थिंक हमने पूरा स्क्वाड वाइपआउट कर लिया यहाँ पे। 1-2, 7 किल हो चुके हैं हमारे, 8 किल होनी चाहिए थे, पर हमारा 1 किल यहाँ पे था जो वो चोरी हो गया। बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, हमने फिर भी भाई 7 किल कर दिए भाई। स्टार्टिंग के थोड़े किल हमने चीटिंग करके किए, बट देखो चलता है भाई चलता है, थोड़ा बहुत चीटिंग चलता है, चीटिंग अलाउड है भाई, थोड़ी बहुत चीटिंग अलाउड है, ठीक है ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। अभी हमने स्टार्टिंग में चीटिंग की सिर्फ 4 किल के लिए, सॉरी 3 किल के लिए, अब हम चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं हाँ 4 किल के लिए की गई मैंने, पर 1 किल हमारे को मिला नहीं, वो अलग बात है। देखो क्योंकि हमने 2 प्लेयर यहाँ मारे, 1 प्लेयर हमने वहाँ मारा नीचे, और 1 प्लेयर हमने वहाँ मारा था, तो हमारे को सिर्फ 3 ही किल मिले उसके। हमारा ये वाला आई थिंक बंदा, हाँ काश मेरे पे स्कोप होता गाइस। स्कोप के साथ बहुत ईजी होता है यार हेडशॉट मारना लॉन्ग रेंज में, विदाउट स्कोप ना भाई एक्यूरेसी बनती नहीं है। एक हेड लगता है फिर दूसरा तीसरा हेड नहीं लगता, क्यों भाई वो जा रहा है क्या कहीं भाई, वो भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है साले, रुक जा आया मैं तेरे को मारने भाई यार। पर इनने मुकू का टाइम भी इतना कम कर दिया ना, वो बंदा पता नहीं कहाँ भाग गया होगा, इतने जल्दी दिखती भी नहीं मुकू ठीक से। यहाँ पे तो नहीं है नीचे, आई थिंक वो लेफ्ट गया है, आई थिंक वो लेफ्ट गया, यहाँ नीचे यही नीचे यही नीचे है यही नीचे गाइस पूरे को। भाई यार क्या कर रहा था भाई तू, देखो फुटस्टेप्स नहीं आएगा मेरे, मैं तेरे ऊपर था। ओ मैक है क्या, नहीं यार हाँ तो भाई मैक नहीं मिल रही, मैक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मैक के हेडशॉट काफी अच्छे होते। और भाई मेरा, अरे भाई मेरा माउस डेड हो गया गाइस, फिर माउस में चार्जिंग नहीं बची भाई, रुक जाओ रुक जाओ, माउस को जल्दी से चार्ज अप कर लेते हैं, ठीक है ओके। मैं चार्जिंग में लगा दिया माउस, ओके अब मेरा माउस ठीक से चलेगा थोड़ा बहुत यार। पर दिक्कत ये गाइस, माउस जब मैं लगाता हूँ ना तो माउस को चार्जिंग में लगाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है भाई खेलने के लिए, बट कोई बात नहीं चलेगा भाई चलेगा। अब भाई मेरे को ना मिल से निकलना है और मैं निकल ही नहीं पा रहा, जैसे निकलने का ट्राई करता हूँ वैसे मेरे को पीछे से कोई बंदा दिख जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं भाई, अब निकलते हैं भाई, इस बार 100% 8 किल वैसे हमारे हो चुके, तो बराबर हमने 2 स्क्वाड वाइपआउट कर लिए एक तरह से। नाइस भाई लेट्स गो, दो पिछले गेम में तो मेरे को याद भी नहीं भाई हमने कितने किल किए थे, मेरे को लगता है 7 किल के अंदर ही हम मर गए थे। इस गेम में हमने काफ़ी अच्छे खासे किल कर दिए स्टार्टिंग में, और 33 प्लेयर्स अभी भी अलाइव है। डबल P90 हमारे पास, जिसको हम चेंज करेंगे, हमारे को अभी देखो हमारे को क्या चाहिए। ओ भाई यहाँ नीचे, अरे यार 25 सेकंड के अंदर पर वो पोर्टल हट जाएगा, जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा आई डोंट थिंक सो वहाँ पे वो पोर्टल रहेगा, तो वहाँ जाने का फायदा नहीं है। पोर्टल से जाएगा तो वैसे हमको MP40 मिल जाती, बट मैंने MP40 पिछली बार जब वो ट्राई की थी ना तो इतनी खास मेरे को लगी नहीं थी। आप लोगों ने देखा भी, मतलब उसका हेड डैमेज बड़ा बहुत अच्छा था, बट मेरे को इतनी खास लगी नहीं, उसके हेड नहीं लग रहे थे इतने खास, बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, मिल गया, स्कोप मिल गया
यही तो चाहिए था, 4x स्कोप मिल गया। अब तो भाई तुम आओ बंदे जो भी है सामने, 4x स्कोप के साथ गाइस हेड बहुत इजीली लगने वाले, मजा आने वाला भाई 4x स्कोप के साथ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं नीचे कोई है, कोई नहीं नीचे, ऊपर। अब ऊपर चेक करिए गाइस प्लीज मेरे। ओ भाई देखो भाई ऊपर ऊपर आ रहा है ये बंदा, ऊपर आ रहा है शायद से। ओ ओ ओ नहीं ये नीचे गया भाई, मतलब भाई ठीक है यार। ओ भाई यहाँ पे स्क्वाड स्क्वाड है भाई, यहाँ मेरे को लग रहा है पूरा स्क्वाड है भाई नीचे, वो भी लेवल 4 वाला स्क्वाड है, यहाँ पूरा लेवल 4 का मामला पानी है। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इस स्क्वाड से, हमारा बेस्ट लेवल 2 का है उनका आधा, और हेलमेट तो हमारे पास है भी नहीं, तो थोड़ा बच के। वेट यहाँ पे नीचे कोई, मैं ऊपर से किसी को डाउन निकाल पाऊँ ना तो मैं नीचे कूद जाऊँगा, ताकि क्योंकि जब मैं नीचे कूदूँ मैं हील भी कर पाऊँ थोड़ा बहुत। भाई यार एक बार चेक करिए कितने प्लेयर है, इन्हें फोड़ा है क्या मशरूम? हाँ यार इन्हें साइबर मशरूम भी तोड़ दिया वाला, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कितने बंदे हैं कितने बंदे नहीं है। एक काम करते हैं नीचे कूदते हैं, 3 2 1 यस लेट्स गो, इसको फोड़ते हैं, शायद उनको आवाज़ आएगी तो वो मेरे ऊपर रश करने का ट्राई करेंगे। वो यप आ रहा है मेरे ऊपर शायद से रश, लेट्स गो। ओके हेलमेट भी मिल गया हमारे को, लेट्स गो भाई। वहीं पे एक वो प्लेयर, ओके भाई उसने रिवाइव भी दे दिया, और भी भाई भाई उसने रिवाइव दे दिया, तो उसका एक लास्ट प्लेयर भी नीचे आने वाला है। भाई जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा, ओके अब इसका लास्ट प्लेयर पता नहीं कहाँ पे आएगा, वो यहाँ यहीं आएगा कि जो एक काम कर लेते हैं जल्दी से। अरे यार भाई मेरे यहाँ पे वो भी नहीं ले सकते हम, अरे हंट लेना था गाइस मेरे को, कोई बात नहीं फोटो ले लेते हैं, मेरे को हंट लेना था ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे आसपास ही क्या वो प्लेयर ने जिसको रिवाइव दिया अभी अभी। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, बस तो हमने ये स्कॉट को तो भाई इजीली मार दिया एक एक स्प्रे के अंदर। भाई P90 गन का लिटरली स्प्रे बहुत तगड़ा है भाई। ओके थोड़ी हम ये फेंक लेते हैं, बस डर इस चीज़ का कि कोई प्लेयर ना आ जाए जब मैं लूट कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, एक काम करते हैं ये मेडिकेट चक लेते हैं, एंड भाई बस इतना ही चाहिए था हमारे को, लूट की और हमारे को जरूरत है नहीं भाई। लोट नाइट विजन स्कोप भी मिल गया, अब दो दो टाइप के स्कोप से हमारे पास, और ऊपर भाई ऊपर चढ़ने के लिए किसने गाड़ी लगाई है भाई? रुक जाओ हम भी ऊपर जाके एक बार चेक कर ले रहे हैं, क्या कोई ऊपर बैठा है क्या, किसको पता भाई? वेट मेरे को फुट आया, कोई ऊपर है क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ऊपर कोई है भाई? ऐसा मत बताना कि ऊपर है प्लीज़। नहीं है भाई कोई भी ऊपर नहीं है, और भाई यहाँ पे UMP भी है गाइस, पर मैं UMP नहीं चलाने वाला, मैं ना गाइस P90 के ऊपर पूरा अपना भरोसा रखने वाला हूँ, बिकॉज P90 ने हमारे को इतना अच्छा गेम प्ले दिखा दिया अभी, 12 किल लूट के हमारे P90 हमारी इतनी मदद की, तो भाई एक काम करता है P90 से ही खेलते हैं, P90 को इज्जत देते हैं भाई, बिकॉज भाई सच में एक चीज़ मैंने देखी है गाइस, P90 को कोई इज्जत भी नहीं देता यार, कौन यूज़ करता है P90 को? आप लोग खुद बताओ आपने लास्ट टाइम कब आपने खुद ही P90 यूज करी हो पूरे मैच की तरह, मतलब उतरते हुए उतरते मिल गई तो फिर तब तो यूज करनी पड़ती है, बट आपने कब? ओ भाई साहब पूरा स्क्वाड, ओ भाई ये वही स्क्वाड इसको मैंने अभी भी मारा है, ये वही स्क्वाड इसको मैंने अभी भी मारा है गाइस, और ये पूरा स्क्वाड वापस ड्रॉप हुआ है भाई। ओ भाई साहब भाई नहीं यार मैं पीछे जा नीड फेंकने के चक्कर में मैं मर गया भाई, बंदा मेरे को लिटरली इमोट दिखा रहा होगा 100%, पर भाई हमने इनका पूरा स्क्वाड मार ही दिया था, बट कोई बात नहीं गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखकर थोड़ा भी मजा आया हो तो सब बंदे लाइक कर देना, हमारा प्लैटिनम भी लग गया भाई इसी साथ इसी बात पे, एंड भाई बस यार इनको मार देता भाई, मैंने गलती पता क्या की, मेरे को लगा मैं नेड फेंक देता हूँ भाई वो मेरा पीछा नहीं करेगा, बट भाई नेड फेंकने के चक्कर में उन्होंने मेरा पीछा जरूर कर लिया, बट कोई बात नहीं गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप सभी लोग को, भाई वीडियो देखकर थोड़ा मजा आया तो समझ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो बाय बाय बाय।